इस बदलते ऑटोमोबाइल सेक्टर में अब कई सारे चेंजेस होने लगे हैं। गाड़ियों में अब कई सारी नई नई टेक्नोलॉजीज ऐड होने लगी है। जब पहले लोग गाड़ी खरीदते थे तब ज़्यादा प्रेफरेंस मैनुअल ट्रांसमिशन को ही देते थे, आज भी कई सारे लोग मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी को ही खरीदते हैं। पर पहले के जैसे मैनुअल ट्रांसमिशन का मार्केट अब नहीं रहा, लोग अब एडवांस टेक्नोलॉजी वाले ट्रांसमिशन ऑप्शन की तरफ भी जाने लगे हैं। इंडियन मार्केट में अब AMT, DCT जैसे कई तरह के ऑटोमेटिक्स और सेमी ऑटोमेटिक के ऑप्शंस अवेलेबल होने लगे हैं। हालांकि अभी भी बहुत सी गाड़ियों में हमें मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन ही मिलता है, पर बढ़ते हुए डिमांड को देखकर अब कई सारी गाड़ियों में ऑटोमेटिक भी मिलने लगा है। अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं या फिर आपके मन में ऑटोमेटिक के बारे में कुछ भी डाउट्स है तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, जिसमें मैंने आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन खरीदने के फायदे और नुकसान बताए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली कार मैनुअल ट्रांसमिशन वाली कारों की तुलना में यूज करना बहुत आसान है। अभी की मॉडर्न गाड़ियों में पाया जाने वाला सबसे कॉमन प्रकार है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। हालांकि अब DCT, CVT और IMT भी देखने मिलता है। इस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ड्राइवर को सही समय पर गियर बदलने के बजाय कार ऑटोमेटिकली स्पीड के हिसाब से गियर चेंज करती रहती है। ट्रांसमिशन फ्लूइड की मदद से गियर रेशो को ऑटोमेटिकली एडजस्ट किया जाता है। ऑयल पंप फ्लूइड को प्रेशर में रखता है जिससे कि क्लच भी ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाता है। इसी सब प्रक्रिया की वजह से ड्राइवर को गियर बदलने की आवश्यकता नहीं होती है, जो ड्राइवर को और भी कंफर्टेबल बनाता है। मैनुअल ट्रांसमिशन के कंपैरिजन में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली व्हीकल का सबसे ज़्यादा उपयोग ट्रैफिक में होता है, जहां पर आपको बार बार गियर चेंज नहीं करने पड़ते। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली व्हीकल को ऑपरेट करना बहुत ही आसान है किसी मैनुअल गाड़ी के मुकाबले। जब हम मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी को चलाते हैं तब लेफ्ट हैंड बिजी हो जाता है। गियर चेंज करने में हमें इसी लेफ्ट हैंड का उपयोग करना पड़ता है। पैरों से हमें क्लच को ऑपरेट करना होता है, पर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में क्लच तो होता ही नहीं है और ऊपर से गियर चेंजिंग की भी कोई झंझट नहीं होती, जिससे कि ड्राइवर के दोनों भी हाथ स्टीयरिंग व्हील पर होते हैं और इसी वजह से ड्राइवर का सारा ध्यान रोड पर होता है। मैन्युअली गियर चेंज ना करने की वजह से इसमें एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। जब आप ऑटोमेटिक वाली गाड़ी चलाते हो तब सिंपली आपका मल्टीटास्किंग कम हो जाता है। एक्सपेंसिव ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में अक्सर पाया गया है कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा है, गियर चेंजिंग बहुत ही स्मूथ होती है, पर ऐसा लोअर ऑटोमेटिक में नहीं पाया जाता जैसे कि AMT। ऑटोमेटिक कार की इनिशियल कॉस्ट मैनुअल व्हीकल से ज़्यादा होती है। ऑटोमेटिक और मैनुअल में 1 से 1.5 लाख का डिफरेंस होता है। गाड़ी का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, जिससे कि इसको मेंटेन करना थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। साथ ही मैनुअल ट्रांसमिशन वाली कार का माइलेज भी किसी ऑटोमेटिक वाली कार से ज़्यादा होता है। अगर किसी मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी का माइलेज कंसिडर करें और उसी कार का सेम ऑटोमेटिक वेरिएंट वाला माइलेज भी कंसीडर करें तो इनमें से मैनुअल ट्रांसमिशन के वेरिएंट का ही माइलेज ज़्यादा होगा। और तो और ऑटोमेटिक वाली गाड़ी में मूविंग पार्ट्स ज़्यादा होते हैं, जिससे कि अगर इनमें कोई खराबी आ जाती है तो इससे रिलेटेड और भी पार्ट्स में खराबी आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, पर ऐसा मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी में नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी में आपको क्लच प्लेट बदलवानी पड़ सकती है। जब कभी कार का ट्रांसमिशन फ्लूइड लीक होता है तब गाड़ी के ओवरऑल परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ता है, जैसे कि गियर चेंजिंग प्रॉपरली नहीं हो पाता, गियर चेंजिंग में थोड़ा सा डिले आने की वजह से आपको राइड क्वालिटी अच्छी नहीं मिल पाती, जिससे कि और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। कई सारे ऑटोमेटिक ओनर्स का कहना है कि गाड़ी को चलाते वक्त बर्निंग स्मेल आता है। जब ट्रांसमिशन फ्लूइड ओवरहीट हो जाता है तब इस तरह की स्मेल आती है, जो केबिन में भी आ सकती है, जो जले हुए टोस्ट के जैसे होती है। स्मेल के साथ ही कई बार नॉइज भी आता है, बजिंग और ग्राइंडिंग जैसा होता है। इससे भी कोई नुकसान नहीं होता है, पर अगर ये नॉइज ज़्यादा है तब आपको इसमें बेयरिंग बदलवाना पड़ सकता है, जिसकी कॉस्ट बहुत आती है। साथ ही कई लोगों का कहना है कि ऑटोमेटिक कार की राइड क्वालिटी मैनुअल कार से कुछ ज़्यादा खास नहीं होती। अगर गियर शिफ्ट होने में देरी हो जाए तो आपको झटकेदार राइड भी मिल सकती है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि ऑटोमेटिक की राइड फन टू ड्राइव नहीं होती, जबकि मैनुअल की राइड अच्छी होती है। ऐसा अक्सर AMT ट्रांसमिशन वाले गियर बॉक्स में पाया गया है। अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं खरीदना चाहते और ऑटोमेटिक ही खरीदना चाहते हैं तो अच्छे से अच्छा ही ट्रांसमिशन ऑप्शंस सिलेक्ट करें, ना कि AMT जैसे लोअर कॉस्ट ट्रांसमिशन ऑप्शंस। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली व्हीकल को चलाना बहुत आसान तो है, पर इस ऑटोमेटिक वाली कार को मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल है। आपको गाड़ी की सर्विसिंग रेगुलर इंटरवल्स पर करवानी होती है,
जिससे कि गाड़ी स्वस्थ रहे। अगर आप कार सर्विसिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं तब इस कंडीशन में आपको आगे जाकर कई सारे पार्ट्स की रिप्लेसमेंट भी करवानी पड़ सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो ऑटोमेटिक को चलाना आसान है जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट मिलता है, पर अगर इस ऑटोमेटिक वाली व्हीकल को मेंटेन करने में आप विफल रहे तो आपकी जेब भी खाली हो सकती है। तो दोस्तों यही थे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के कुछ फायदे और नुकसान। अगर अभी भी आपके मन में कुछ सवाल है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में तो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।